हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फेस न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं मीरान प्रोडक्शंस के एक इवेंट में, जहां की मंझे हुए बड़े बड़े कलाकार कवि हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या संदेश वो देश को देते हैं और क्या रिस्पांस उनको लोगों से मिलता है। सर, आपका आज यहाँ पे आप फंक्शन में आए, तो आपका लोगों से वार्तालाप हुई, तो क्या लोगों का रिस्पांस आपको मिला और क्या यहाँ पे मेन कंट्रो टॉपिक था यहाँ पे? देखिए, मेन टॉपिक मेरा यही रहता है, मेरा मकसद हंसाना नहीं है। किसी मकसद से हंसाऊँ तो हंसाना सार्थक होता है, उसमें कोई ना कोई मकसद होना चाहिए हंसाने में। बेवजह हंसाने को मैं सार्थक नहीं मानता हूँ। उसी टॉपिक पर चला, मैंने हर एक विषय छुए उसमें। मैं थोड़ा राजनीति के ऊपर लिया, क्योंकि मैं मानता हूँ कि राजनीति जो है, अब इस मुल्क में किसी भी पार्टी को देख लो, उसके कुछ वैल्यूज़ नहीं है किसी के भी। बस उन्होंने एक ही वैल्यू है उनकी, कि वोट किस तरह से मिल जाए। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बात है, सारी पार्टियां गरीबी बनाए रखने की स्कीम बनाती हैं, गरीबी मिटाने की स्कीम कोई नहीं बनाती। यार, गरीब को 2 रुपये किलो का गेहूं मत दो, इस लायक बनाओ कि वो 15 रुपये किलो का गेहूं खरीद सके, उसको सक्षम बनाओ, उसको मेहनत से जोड़ो। ये कर दिया आपने कि वो तो घर जा कर के बैठ जाएगा। जब किसी के घर में पहुंच करके आप रोटी दोगे तो मेहनत क्यों करेगा? मुल्क संघर्ष से मजबूत होता है, सुविधाओं से मुल्क नपुंसक साबित होता है। तो यहाँ पे आके आए आप, तो लोगों का कैसा रिस्पांस आपके साथ रहा, कैसा वार्तालाप? नहीं, रिस्पांस तो आपने देख ही लिया, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया, और हर पैनी बात को भी, क्योंकि दिल्ली के लोगों का भी IQ जो है, मैं समझता हूँ सबसे अच्छा होता है। ज़रा से भी बात हो तो तुरंत पकड़ लेते हैं। तो क्या आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कि बहुत से आजकल ये दौर चल रहा है कि बच्चे पेरेंट्स की बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, धीरे धीरे नाफरमानी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि बच्चों को इस लायक मत बनाओ कि आप उनके लायक नहीं रहे। सर, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपने अपने करियर की कैसे स्टार्टिंग की, कैसे आपने कविता में इंटरेस्ट लिया, कहाँ से आपने स्टार्टिंग की, क्या क्या स्ट्रगल्स आपको देखे? लंबी कहानी है ज़िंदगी की। कानपुर में जन्म हुआ, लखनऊ में पढ़ाई हुई, बाद में मैं MA PhD मैंने दिल्ली से की, और लगभग 25 से 30 साल तो हो गए मंच पर। कविताएँ लिखनी मैंने शुरू की जब मैं लगभग 12वीं क्लास में पढ़ता था। उसके बाद से वो कच्ची कविताएं थीं, लेकिन इसलिए मैंने BA के बाद MA Hindi करना उचित समझा कि जब साहित्य के क्षेत्र में काम करना है तो शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने हिंदी में PhD भी की। और उसके बाद हिंदी की सेवा करने, हिंदी में काम करने का संकल्प लिया, और आज भी हिंदी के माध्यम से सारी दुनिया के बहुत देशों में मैं जाता रहता हूँ। और मंच से इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मुझे लोगों को हंसाना अच्छा लगता है, लोगों तक भाषा का प्रचार होता है, उन्हें समाज के लिए नए संदेश मैं इस माध्यम से दे सकता हूं, और सीधे जनता से जुड़े रहने का मेरा एक मन करता है, इसलिए मैं सीधे मंच पे हूं। तो आप यहां पर आज फंक्शन में आए हैं, तो यहां पे क्या आपका मेन मोटिव था, क्या मेन थीम थी आपके यहां पे? मेन मोटिव ये था कि हैबिटेट सेंटर में जिस तरह के लोग आते हैं, ये एक अलग वर्ग है, ये जो उच्च वर्ग है, जैसे आज भी सोनल मानसिंह जी थी और भी लोग थे, हैबिटेट के डायरेक्टर थे, ये लोग सामान्य तौर पर भीड़ के कवि सम्मेलनों में नहीं जाते हैं, वो मेले के कार्यक्रम में या किसी और कार्यक्रम में वो नहीं जाते। वो एक अलग वर्ग है, जो हैबिटेट का वर्ग है, जो एक उच्च वर्ग है और उच्च शिक्षित वर्ग है समाज का, उन तक कविता कैसे पहुँचे, उन तक हंसी कैसे पहुँचे, उनके जीवन के तनाव कविता के माध्यम से, शब्द के माध्यम से कैसे दूर किए जाएं, ये था कि बस एक अलग वर्ग, कॉरपोरेट के लोग, बैंक भी जुड़ा था, तो इन लोगों तक हमें पहुँचानी है कविता। तो कविता के कुछ 4 बोल आप मुझे सुना दीजिए जो दर्शक देखना पसंद करें। इतनी देर तो मैंने सुनाया ही है, लेकिन मैं
चार पंक्तियां संदेश की यही कहना चाहता हूं कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। तो मैं पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश के लोगों के चेहरों पर मुस्कान चाहता हूँ और हर दिल में हिंदुस्तान चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।